कोषाधिकारी बनकर रिटायर्ड पेंशनरों को अपना निशाना बनाने वाले गैंग का पर्दाफाश हुआ है। ये गैंग वेरिफिकेशन के नाम पर उनके खाते के बारे में जानकारी लेते थे और उनके खाते से पूरी रकम निकालने में कामयाब हो जाते थे। गैंग ने कुल 18 करोड़ की ठगी की है। ऐसे कई शिकायतों को संज्ञान में लेने के बाद प्रयागराज की साइबर क्राइम की टीम ने मंगलवार को गैंग के सरगना समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। साइबर क्राइम थाना के प्रभारी निरीक्षक राजीव कुमार त्रिपाठी ने बताया कि यह गैंग काफी दिनों से इस कार्य में सक्रिय था, जिसमें कई लोग शामिल हैं। इन्होंने प्रयागराज से रिटायर्ड हेड कांस्टेबल भोलानाथ से 10 लाख एवं रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर राजकुमार से 20 लाख की ठगी की है। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से 9 मोबाइल फोन, 15 एटीएम कार्ड, 11 अदद प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड भी बरामद हुए हैं। पुलिस उनकी भी छानबीन में जुटी है। उन्होंने बताया कि गैंग के सदस्य बड़ी ही चालाकी से पेंशनरों के खाते से रुपये निकाल लेते थे। वो पेंशनरों का नंबर तलाश कर उनके मोबाइल पर कॉल करते थे। उन्हें बताते थे कि वो कोषाधिकारी बोल रहे हैं। इसमें शामिल लोग अपने मोबाइल के ट्री कॉलर पर ट्रेजरी ऑफिसर के नाम से सेव किए होते हैं। पेंशनरों से कहते थे कि उनका पेंशन अपडेट करना है, इसलिए वो नौकरी से संबंधित पूरी जानकारी पूछ लेते थे। पेंशन खाते को ऑनलाइन वेरिफिकेशन के नाम पर गोपनीय दस्तावेजों ओटीपी को रिमोट एक्सेसिंग ऐप के माध्यम से प्राप्त कर पेंशनर से ऑनलाइन बैंकिंग ऐप को डाउनलोड एवं चालू कर उनके खाते से रुपये निकालने में सफल हो जाते थे। ये देखिए, थाना साइबर क्राइम प्रयागराज में मुकदमे 2 दर्ज थे, जिसमें जो पेंशनर होते हैं, पुलिस पेंशनर, बेसिकली ये साइबर अपराधी गैंग उनको टारगेट करता था। उनके रिटायरमेंट के बाद उनसे पेंशन या तमाम फंड के बारे में बात करके, जिसका कोई दिक्कत आती थी, ऑनलाइन उनको विश्वास में लेके उनसे ऑनलाइन बैंकिंग एक्टिवेट कराते थे और फिर रिमोट एक्सेसिंग ऐप के माध्यम से उनके अकाउंट को एक्सेस करके और सारा पैसा ठगी करते थे। इन 2 मुकदमों में लगभग 20-30 लाख रुपया साइबर ठगी हुई है। फिर हमारी प्रयागराज टीम ने इसको पूरी तरह से एनालिसिस किया और जो भी खाता धारक थे, जो भी विड्रॉल कर रहे थे, जब पैसा खर्च हो रहा था, उन सबको ट्रेस किया गया और ट्रेस करने के बाद इसमें कुल 5 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जो बंगाल, पश्चिम बंगाल और झारखंड के रहने वाले हैं। और सभी वो लोग हैं जो प्रत्यक्ष रूप से इस अपराध से जुड़े थे और इस जैसे अन्य बहुत से अपराधों से जुड़े उनकी जानकारी प्राप्त हुई है। इनके खिलाफ जो अभी तक मोटा मोटी अभी तक हमने चेक किया है ऑनलाइन, तो पूरे देश भर में 180 रिपोर्ट लगभग हुई है इनके खिलाफ, इनके और इनके गैंग वालों के खिलाफ में। तो उन सब पे भी कार्रवाई की जा रही है, बाकी एजेंसियों से संपर्क करके इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और बाकी जो बचे हुए गैंग मेंबर्स हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। सर, इसमें आपने जैसे मेंशन किया है कि इसमें NCCP और इस तरह के कई ऐप्स के माध्यम से एक्सेस हुए हैं और इसको वहाँ से गिरफ्तारियाँ सुनिश्चित की गई हैं, ये ऐप किस तरीके के से हैं और इनसे आम जनता को किस तरीके से लाभ मिलता है? देखिए, मतलब ये MHA के अंडर में इंटीग्रेटेड पूरा एक्शन प्लान है साइबर क्राइम की रोकथाम और उसके इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। तो तमाम सारे पोर्टल्स होते हैं जिसमें देश भर के साइबर अपराधियों का डेटा रहता है, तो एजेंसियाँ उन डेटा के माध्यम से हम लोग पता करते हैं कौन किस ग्रेविटी का साइबर अपराधी है या हमारे यहाँ पकड़ा गया साइबर अपराधी कहीं और इन्वॉल्व तो नहीं है, जिससे कि इनके खिलाफ अच्छी तरह अभियोगात्मक कार्रवाई की जा सके। और बाकी जागरूकता के लिए भी MHA का पोर्टल है, हेल्पलाइन है, साइबर जागरूकता हेल्पलाइन है 1930, cybercrime.gov.in साइट है। इन पर भी आम आदमी एक्सेस करके अपने साथ हुई साइबर क्राइम की घटना को रिपोर्ट कर सकता है और तुरंत निजात पा सकता है अपनी चीज़ों के लिए। कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं सर और कितने की रिकवरी हुई है? अभी 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं और इनके कुछ पैसा, कुछ लाख पैसा इनके खातों में होल्ड कराया गया है और बाकी सब चीज़ों के लिए अभी विवेचना की जा रही है और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब चीज़ें रिकवरी कराने का प्रयास किया जाएगा। गिरफ्तार अभियुक्तों में अब्दुल मतीन पुत्र हारून मियां, गैंग सरगना निवासी बारा, थाना सारट, जिला देवघर, झारखंड। अंकित अग्रवाल पुत्र मिर्चा अग्रवाल, निवासी अलीगोल महल, सदर बाजार, बैरकपुर, झारखंड। बसारत अंसारी पुत्र मो, सपतली मियां, निवासी संथाली, जिला देवघर, झारखंड। एसके जीशान हुसैन पुत्र एसके जाकिर हुसैन, निवासी न्यू टेंगरा रोड, गोविंदा खटीक रोड, कोलकाता पश्चिम बंगाल, एवं विजय प्रसाद पुत्र मोतीलाल प्रसाद, निवासी मियां जाने लेन, गोविंद रोड, कोलकाता पश्चिम बंगाल है। गिरफ्तार करने में प्रभारी निरीक्षक राजीव कुमार त्रिपाठी, उप निरीक्षक अनुज कुमार तिवारी, राघवेंद्र कुमार पांड्या के अलावा सत्येश राय, लोकेश पटेल, रूप सिंह, प्रदीप कुमार यादव समेत साइबर क्राइम थाना की टीम का पूरा सहयोग रहा।